अब आप बताइए, जहां नहीं हो रोटी कपड़ा और मकान, बताइए कैसे बनेगा भारत महान? अगर भारत को बनाना है महान तो इंतजाम करना होगा रोटी कपड़ा और मकान। इसीलिए भारत की महानता महज लफाजी से नहीं चलने वाली है। बचपन में मैं कविता पढ़ता था, धमक धमक कर आया हाथी, धमक धमक कर जाता हाथी। आजकल थोड़ा उसका टोन बदल गया है, और प्लीज इसको भारत के प्रधानमंत्री से जोर करके एकदम नहीं देखिएगा। धमक धमक कर आता मोदी, अपना झूठ सुनाता मोदी। धमक धमक कर जाता मोदी, अपनी पूछ हिलाता मोदी। आजकल जो भारत के जमहूरियत के सबसे बड़े ओहदेदार लोग हैं, वो भारत का प्रचार नहीं करते हैं, वो जीन्स का प्रचार करते हैं, मोबाइल के सिम का प्रचार करते हैं। कहाँ थे, कहाँ आ गए? इंसानों को छोड़ करके लोग गायों की बात करते हैं। आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम होगा क्योंकि आप लोग इस देश के लोग हैं, पूरी दुनिया में गाय गोबर देती है, हिंदुस्तान में वोट देती है। और मजेदार बात यह है कि गाय को आगे करके जो पीछे पीछे कुर्सी लेना चाहते हैं वो एक बात भूल जाते हैं कि गाय लात भी मारती है, और बिहार में इनको बहुत जबरदस्त लात पड़ी है। अगर ये आपका रोजी रोटी का अधिकार ना दें तो इनको जो है लात पड़नी चाहिए, और बेशक गाय माता वाली लात पड़नी चाहिए, सॉलिड वाला। पहले हमने सुना था कि गाय से, उसके दूध से लोगों को पोषण प्राप्त होता है। कुछ लोग आजकल गाय से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर लीजिए, लेकिन गाय गाय ही रहेगी। गाय के नाम पे ज्यादा दिन राजनीति चलने वाली नहीं है। लेकिन जब तक ये चलती है तब तक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रहा था, क्यों ना अपना नाम बदल करके गाय कुमार कर लूं, क्योंकि कन्हैया से ज्यादा वैल्यू तो गाय का है इस देश में। गाय अगर इतना इम्पोर्टेंट जानवर है तब तो सब इंसान को अपना नाम बदल करके गाय कुमार या गाय कुमारी कर लेना चाहिए, शायद उनका जीवन बदल जाए। लेकिन भारत माता की जय कहने से लोगों का जीवन बदलता नहीं है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे और दूध लेने के लिए जाएंगे तो जो आपको दूध देगा उसको पैसा देना पड़ेगा। एक बार भारत माता की जय बोल के देखिएगा, और वो आपको दूध का पैसा नहीं ले तो फिर हमको कहिएगा। जीवन को चलाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, और जब हम मेहनत करते हैं तो पैसा पाते हैं, और पैसा से अपना जीवन जीते हैं। ये मोटा मोटा बात है, किसी धर्म के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये जब मोटा मोटा बात है तो इसके नाम पे जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स आज शुरू हुआ है, पंडित लोग बहुत पहले ये पॉलिटिक्स करते थे। चटाई ले लेते थे कि आपके बाबूजी को स्वर्ग में मिल जाएगा, और यहीं पे सोते हुए पाए जाते थे। आजकल कुछ लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी है, कहता है पंडित जी ऐसा कीजिए, हमारा मोबाइल ले लीजिए और जरा मेरे बाबूजी से बात करा दीजिएगा। भाई साहब, विज्ञान के दौर में अंधविश्वास नहीं चलेगा। मेहनत कस जब आज अपने अधिकारों को जान रही है तो गाय और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। जब लोग आज खाने पीने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आप युद्ध की बात करके लोगों को भटका नहीं सकते हैं। आज हमारे सामने अगर सबसे बड़ा सवाल है तो इस देश के अंदर एक जो बहुत बड़ी आबादी है उसके आत्मसम्मान का सवाल है। बोलिए भारत माता की जय, कौन मना करता है? माता की भी जय बोलिए, पिता की भी जय बोलिए, भाई बहन रिश्तेदार गांव पड़ोस पूरी दुनिया की जय बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जय बोलने से देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए किसानों की आत्महत्या को रोकनी पड़ेगी। गरीबों को, मजदूरों को जो उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है वो मजदूरी उनको दिलाना पड़ेगा। युवाओं को शिक्षा देनी पड़ेगी, और शिक्षा के हिसाब से उनको उनका रोजगार देना पड़ेगा। इस देश के अंदर अगर पैदावार हो रही है तो लोगों को भूख से मरने से बचाना पड़ेगा। और देश नारों से नहीं, लोगों की स्थितियों से बदलता है,
देश महज स्लोगन से नहीं, लोगों के जो वास्तविक हालात हैं उससे महान बनता है। और लोगों का वास्तविक हालात तब अच्छा होगा जब लोग बीमारी से नहीं मरेंगे, जब लोगों को अपने माथे पे मैला नहीं धोना पड़ेगा, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान का हक दिया जाएगा, आदिवासी, पिछड़े, दलित, जो तमाम तरीके की आवाम है, जो मेहनत कश आवाम है, उसको उसका हक, उसकी मेहनत उसको देना पड़ेगा, उसका लूट को बंद करना पड़ेगा। और यह जो आजकल एक नया ड्रामा हुआ है कि पहले विकास मतलब विकास होता था, आजकल विकास मतलब कॉरपोरेट लूट होता है। मतलब जो ही आपको कहे कि ये फैक्ट्री आएगी और आपका विकास होगा तो आप तुरंत सोच लीजिए कि आपकी जमीन जाने वाली है। जो ही कोई कहेगा कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्कूल खुलेगा, आप समझ लीजिए कि आपका जमीन बिकेगा और आपको फीस देने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना जमीन बेचना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इस देश के अंदर जब लोग बराबर हैं, ऐसा संविधान कहता है, जब लोग बराबर हैं तो लोगों को बराबर की शिक्षा क्यों ना दी जाए, इस देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली को क्यों नहीं लागू किया जाए। जब हमारा और आपका वोट बराबर, तो हमारे और आपके बच्चे एक ही स्कूल में क्यों ना पढ़ें। स्कूली शिक्षा के नाम पे लोगों की मोटी गाढ़ी कमाई छीन ली जाती है। गरीब और मजदूर किसान की बात तो हम बहुत करते हैं, हम आपको कॉरपोरेट के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी हालत भी आपको बताते हैं। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर इंजीनियर या MBA किए हुए लोग होते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम इस देश का कानून कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हैं तो आपको ओवरटाइम मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ से ओवरटाइम की कोई बात नहीं उठती है। वहाँ जो नौजवान काम करते हैं, जो लड़के लड़कियाँ काम करते हैं, वो 16-16 घंटा काम करते हैं, और जब काम करके आते हैं तो कंप्यूटर पे बैठ के अपना रिपोर्ट बना करके अपने बॉस को भेजते हैं। अगर हनीमून पे घूमने के लिए गए हैं, नई नई शादी हुई है, वहाँ भी फोन लेकर के जाना होता है और टेलीफोन पे रिपोर्टिंग करना होता है। ये कौन सी व्यवस्था आ गई है कि पढ़े लिखों को भी गुलाम बनाया जा रहा है? और उनके हक अधिकार की अगर बात करें तो उनका पूरा शरीर, उनका पूरा जीवन लोन पे चलता है, गाड़ी से लेकर के वॉशिंग मशीन तक लोन पे है, लोन पे। अगर बीच में मर गए, सपोज कीजिए, क्योंकि इस देश में मरना बहुत आसान बात है, अगर मर गए तो क्या है सामाजिक सुरक्षा, क्या होगा आपके आने वाले बच्चे को, क्या होगा आपकी पत्नी का, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। और उनसे जब हम पूछते हैं कि आपने मोदी जी का समर्थन क्यों किया, तो कहा कोई विकल्प नहीं था। अरे महाराज, हम लोग भूख से मर रहे हैं तो भूख के कानून के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत भूख लग जाएगी तो कीचड़ खाना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। कि इस देश के अंदर अगर कांग्रेस ने गलतियां की होगी, इसका क्या मतलब है कि हम BJP को लेकर के आ जाएंगे? ये एक गैर राजनीतिक मंच है, मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर राजनीति की बात की जाए, लेकिन क्या करें, हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो राजनीति अपने आप निकलने लगती है। इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी को ही अपनी ईमानदारी का सबूत देना होता है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो भी बोलता हूं उससे सरकार को लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। बताइए, अगर इस देश के अंदर भूखों को खाने देने की बात राजनीति है तो इसको करने में क्या बुराई है? इस देश के अंदर अगर जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा देने का बात है, अगर वो बात कोई करता है और ये राजनीति है तो इसको करने में क्या दिक्कत है? मैं ये सोच नहीं पाया कभी, जब कॉलेज के अंदर हमारे प्रिंसिपल कहते थे कि तुम डिबेट बहुत अच्छा करते हो, राजनीति मत करो, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा कहा क्यों जाता है। जब बिहार के अंदर सरकार बदल गई और प्रिंसिपल साहब सरकार के जाति के अनुसार बदल गए, तब हमको समझ में आया कि जब वो कह रहे थे कि राजनीति मत करो, वो सबसे बड़ी राजनीति हमारे खिलाफ कर रहे थे। इसीलिए जब मेरी माँ को पोलियो का टीका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये राजनीति से तय होती है, तो हमारा भविष्य भी राजनीति से तय होता है। अगर टीका मिल गया तो पोलियो नहीं हुआ है, अगर नहीं मिला होता तो हो सकता कि मैं पोलियो ग्रस्त होता। इसीलिए इस देश के अंदर
राजनीति का सवाल आपके जीवन मरण का सवाल है, और कोई किसी मंच पे कहे, चाहे आप एनजीओ से जुड़े हो या ना जुड़े हो, और कोई कहे कि नहीं 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 यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उसको तुरंत जवाब में कहिए कि तुम राजनीति करना बंद करो। अगर कोई ये कहता है कि राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलिए कि राजनीति करना बंद करो, क्योंकि हम राजनीति सत्ता और कुर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको शासन में जाना है। हम राजनीति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे हक की बात है, वो हमारे अधिकार की बात है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम न्याय और समानता की बात करते हैं, और न्याय और समानता की बात करना, संविधान और लोकतंत्र की बात करना, ये राजनीति नहीं है, ये हमारा बुनियादी अधिकार है। और इस बात को बेशक लोगों को करना चाहिए, और अपने हक के लिए सड़कों पे उतर करके लड़ना चाहिए। और जो लड़ाई कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए छेड़ी गई है, उसके साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाना चाहिए। और ये जो तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनके साथ हमारी एकता बननी चाहिए, क्योंकि हमारी एकता हमारी जीत है, और हमारी एकता का ना होना ये उनकी जीत है। इनको उनको अगर हराना है, अगर शासक वर्ग को हराना है, हमारे मेहनत को जो लूट रहा है उसको हराना है, हमारे ऊपर जाति का जो स्ट्रक्चर लाद करके जाति के आधार पर जो शोषण कर रहा है अगर उसको हराना है, पितृसत्ता और पुरुषवादी मानसिकता को समाज पे थोप कर जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है उनको हराना है, तो हमको कंधे से कंधा मिला करके एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इस मुल्क के अंदर जो सवाल है गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का, उसको हक, उस हक को छीन करके हमको हासिल करना पड़ेगा। कि ये मुल्क सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या ना किसी धर्म को मानने वाला हो, तमाम लोग, महिला हो या पुरुष हो, किसान हो या मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो या अति पिछड़े हो, तमाम लोगों के हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। और अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो आप लोकतंत्र के अंतर्गत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के संघर्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने संघर्ष की बात करेंगे, आपको फर्जी डिबेट में घसीट दिया जाएगा, जो हमारे साथ किया गया था। हम सड़कों पर इस बात के लिए नहीं उतरे थे कि देश के अंदर कौन सा नारा लगाया जाना चाहिए, हम सड़कों पर उतरे थे अपने वजीफे के लिए, हम सड़कों पर उतरे थे रोहित बेमुला को न्याय दिलाने के लिए, हम सड़कों पर उतरे थे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को खत्म करने के लिए, हम सड़कों पर उतरे थे शिक्षा के अंदर जो लूट है उसको खत्म करने के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए। लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के खिलाफ राष्ट्र विरोध का एक फर्जी बहस खड़ा करके हम लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। लेकिन उनको कह देना चाहते हैं कि जेल आपकी है, समाज हमारा है, और आपने जो इस समाज को जेल बना करके रखा है, उस जेल की दीवार को तोड़ने के लिए उस जेल में जाने से कोई परहेज नहीं है। आप बार बार जेल में डालिए, हम बार बार अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और ये लड़ाई सबका साथ सबका विकास का ही लड़ाई है। मोदी जी, आपका जो जुमला है, उस जुमले को ही समाज में हकीकत बनाने की लड़ाई है। और आपने जो अच्छे दिन की बात कही है, उस झूठ को सच बनाना है, समाज में अच्छा दिन लाना है, और वो अच्छा दिन सबका होगा, सबके हक और अधिकारों के लिए होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, जीत हमारी होगी। ये हक की लड़ाई है, जीत के लेंगे, लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंकलाब जिंदाबाद।